नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समुद्र सिंह और आप देख रहे हैं चैनल यात्रा मास्टर। और आज की इस यात्रा में मैं आपको लेकर के आया हूं एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर पर जो बहुत ही अनजानी है, अनसीन है, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। और आज हम यहां अपन एक किले की प्राचीर पे खड़े हैं और ये किला है नागौर ज़िले के कुचामन कस्बे में। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, पीछे जो आपको ये जो ऐतिहासिक किला जो दिखाई दे रहा है, ये है कुचामन का किला। और आज हम इसी को एक्सप्लोर करेंगे। इसकी खास बात जो है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। मुख्य बात मैं आपको बता देता हूं कि ये किला रियासत कालीन में, राजस्थान में दो प्रकार के किले हैं। जैसे एक तो रियासत, जो बड़ी बड़ी रियासतें थी, जैसे जोधपुर है, जैसलमेर है, जयपुर है, इनके किले थे। और ये एक एकमात्र ऐसा किला है जो उनको टक्कर देता है, यानी बड़ी जो रियासतों के जागीरदार थे, छोटे जो जागीरदार थे, उनका ये किला है। इतिहास की बात करें तो इतिहास इसका 9वीं शताब्दी से शुरू होता है। ये प्राचीन किला है, लेकिन 18वीं शताब्दी में जोधपुर महाराजा के जागीरदारों के द्वारा, जिनका नाम जालिम सिंह भेड़तिया था, उनके द्वारा इसका पुनरुद्धार या इसको समृद्ध रूप उन्हीं के द्वारा दिया गया था। तो आइए चलते हैं इस किले के अंदर जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, और वहीं चल के इसको पूरे को एक्सप्लोर करेंगे। मैं आपको इस किले की पूरी जानकारी बताऊंगा और क्या इसकी विशेषताएं हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ में है आज करण सिंह जी सांगलिया, और दोनों मिलकर के। तो चलिए चलते हैं किले के अंदर। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, वीडियो पूरा देखने से पहले, अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेवें और बेल आइकन को दबा लेवें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, खास बात यह है कि इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इस अनसीन पैलेस की, इस अनजानी जगह की, इस कुचामन के किले की पूरी अंदरूनी जानकारियाँ मैं आपके सामने इस वीडियो में लाऊँगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और आगे चलिए अंदर चलते हैं किले के अंदर, मैं पूरा विजिट आपको करवाता हूँ। तो दोस्तों, फाइनली हम इस फोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं। मैंने जैसा बताया था आपको, मेरे साथ करण सिंह जी हैं और साथ में हमने यहाँ से लिया है राजू जी कुमाऊत को। ये राजू जी कुमाऊत हैं, ये हमें पूरे किले का भ्रमण करवाएंगे और यहाँ की जो कंप्लीट बारीकियाँ और जानकारियाँ हैं ऐतिहासिक संबंधित, वो कंप्लीट हमें ये बारीकी से समझाएंगे। तो आइए चलते हैं इस किले के अंदर इनके साथ में। ये किले के अंदर दोस्तों दीवाने खास, और इसका क्या पर्पज़ था, क्या यूज़ था, हमें राजू जी कुमार बताएंगे। इससे पहले मैं आपको एक इसके अंदर की झलक दिखा देता हूँ। देखिए, विशेष जो बात है यहाँ की, ये जो आप देख रहे होंगे, ये जो चित्रकारी है, ये लगभग 250 साल पुरानी चित्रकारी है। लेकिन अब भी मैं तो ये कहूँगा कि जो आधुनिक केमिकल्स के जो रंग आते हैं वो सब फीके हैं इसके सामने, लेकिन कहीं भी अभी भी कोई भी इस पे कहीं भी कोई निशान या इस तरह का कुछ भी नहीं है। ये देखिए आप, तो राजू जी, ये दीवाने खास उस समय किस काम में आता था? जैसे ये दीवाने खास आता था, सब कोई भी रणनीति बनाते थे ना, तो जी मेन इसमें राजा
और दीवान अच्छा, वगैरह राजनीतिक का। मीटिंग्स जो होती थी वो हाँ यहीं वो, होती थी। अच्छा, इसमें ऊपर तो बैठती थी रानी। अच्छा वहाँ वो जो झरोखा दिखाई दे रखी है वहाँ पर लेडीज जो रानियाँ होती थी उनको सिर्फ सुनने का अधिकार होता था वो सिर्फ बोलने का, देखती थी, हाँ बोलने का यहाँ जो अधिकार मीटिंग्स जो होती थी उस मीटिंग को नहीं। वहाँ से देख लेती थी वो। नीचे ये देखिए दोस्तों, हमने इस किले का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, ये अक्सर आम दर्शकों के लिए नहीं खोला जाता, लेकिन हमने रिक्वेस्ट की यहाँ के प्रबंधन से, और मैं पहली बार शायद यूट्यूब पे आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ के जो इस कुचामन किले के जो राजा थे तात्कालीन उस समय के, ये उनका निजी कक्ष था, निजी शयन कक्ष था। आपको मैं एक बार पूरा इसको चारों तरफ से दिखा देता हूँ और फिर मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, मुझे यहाँ की ये जो चित्रकारी है ये बड़ी आकर्षक लग रही है। और ये नीचे देखिए, अभी तो ये गेस्टों के लिए इन्होंने ये बिठाए हुए हैं। ये राजा का शयन कक्ष था, और ये सामने ये देखिए, ये झरोखा दिख रहा होगा। आप एक बार देखिए इसको, मैं तो मंत्रमुग्ध हूँ इसको देख करके। ये दोस्तों, इस कक्ष की मैं एक बहुत ही शानदार चीज दिखा रहा हूं आपको। ये जो खिड़की है राजा के शयन कक्ष की थी, और इस खिड़की से वो बाहर का ये जो आप देख रहे होंगे, नीचे से कस्बे से ये जो रास्ता आ रहा है वो रास्ता दिखाई दे रहा है, और नीचे पूरा आपको ये कुचामन कस्बा दिखाई दे रहा है। और इसका अर्थ ये है कि राजा अपने शयन कक्ष से इस खिड़की के द्वारा पूरे बाहर के दृश्य पर नजर रखते थे। ये है उस जमाने का हवा महल, और हवा महल क्यों है, पीछे आप मेरे पूरा ये कक्ष देख रहे हैं, ये अंदर कक्ष है, और ये एक बहुत बड़ी खिड़की है, और ये नीचे आप देख रहे होंगे ये पानी के लिए बनाया हुआ है। ये देखिए आप, पानी के लिए इसमें पानी भरा हुआ रहता था। और ये मैं आपको घूम कर दिखाता हूँ, अब ये देखिए इधर, ये जो पूरे सामने से हवा आती थी और इस पानी को स्पर्श करते हुए इस कक्ष के अंदर जाती थी, और एक तरह से कृत्रिम कूलिंग का काम करती थी। देखिए दोस्तों, ये है इस किले का एक और प्रमुख पार्ट जिसको चमेली चौक बोला जाता है। ये चमेली चौक है, और ये पर्पज क्या था इसका, ये रवि जी बता रहे हैं। ये नाच है, गाना है, मुजरा है, सारे ही है। ये शतरंज भी है सब, अच्छा, ये ये शतरंज खेलने ओहो, के ये जो लिए। पत्थर लगे हुए हैं वो शतरंज के अनुसार लगे हुए हैं, ये देखिए आप। ये भी वो पुराने टाइम में वो बिल्कुल कहावत बिल्कुल, हुआ करती थी ना कि हाँ हाँ शतरंज का गेम खतरनाक, ये वो खतरनाक अच्छा वाला अच्छा गेम है। इसमें अंगूठियों से नहीं खेल के दासियों को दांव पे अच्छा, लगाते थे, दासियों को दांव पे लगाया जाता था। राजा क्या के कोई शौक, खास मेहमान या दोस्त क्या वगैरह होते क्या शौक थे राजाओं के भी। देखिए दोस्तों, ये किले में एक मंदिर है, और ये मंदिर बताया जा रहा है किसका मंदिर है, नटवरलाल जी का है सब। नटवरलाल जी का। क्या है हाँ, इसकी खासियत, क्या है। कृष्ण भगवान का बालक रूप है नटवरलाल जी जी, जो ये क्या है, राजा साहब गए थे अहमदाबाद लूटने के लिए। जब जी लूट के रवाना होने लगे तो मूर्ति मुंह से बोली, बोले सब कुछ लूट के लेके जा रहे हो, मेरे को अकेले को यहाँ क्यों छोड़ के जा रहे हो। अच्छा, मूर्ति बोली। हाँ, तो फिर ये राजा साहब लाके बराबर का दर्जा दे के ये मंदिर बनवाए। जी, इसमें राज परिवार के अलावा किसी को एंट्री नहीं थी, वो वहीं से सिर्फ राज बाहर से, परिवार, हाँ हाँ बाहर बाहर से से ही, देख सकते, वहां से दर्शन होते थे। हाँ सामने झरोखे जो से, एक झरोखा दिख रहा है छोटा सा, उससे दर्शन किए जाते थे, हाँ बाकी अंदर एंट्री सिर्फ राज परिवार की राज थी। परिवार जी, के नीचे रखो। अच्छा, ये नीचे हाँ, तो तय ऊपर खाने तो का, पूरा, तय खाने की तरह है, हाँ और पूरा ये उस ऊपर, जमाने की जेल किले के अंदर, यहाँ चमगादड़ी चमगादड़ बोल रहे हैं। ये तो ऐसा बोल ने जो चक्की पिसवा थी पुराने टाइम की, वो चक्की है। ओ, ये एक जेल की काल कोठरी है, कहते हैं कि जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। ये देख लीजिए, वो ये वही चक्की है जो कैदियों से पिसवाई जाती थी, आप देख रहे हैं। ये राजा की चेयर, यहाँ राजा बैठता था, और इस पूरे हॉल में सामने पब्लिक बैठती थी, और पब्लिक अपनी समस्याएं लेके आती थी और जन सुनवाई होती थी। ये है दीवाने आम।
आज के इस किले की पूरे भ्रमण में हमारा साथ दिया है राजू जी कुमाऊत ने। आपका राजू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, किले का आपकी पूरी जानकारी हमें बताई और पूरा जो इसका जो ऐतिहासिक जो तथ्य थे, ऐतिहासिक जो बातें थी वो हम तक पहुंचाई और इस आपके माध्यम से ये काफ़ी तो हमारे ऑडियंस के पास, काफ़ी लोगों के पास ये जानकारी पहुंचेगी और बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी आपका। और आगे मैं आपको बता दूं कि ये जो जगह है कुचामन का जो किला है, अगर आप यहाँ का भ्रमण करना चाहते हैं तो मैं बता दूं आपको, जयपुर से इसकी दूरी लगभग 120 किलोमीटर है और ये नागौर ज़िले का प्रमुख किला है। और इस किले की विशेषता ये है कि जागीरदारों में सबसे जो अगर रियासतकालीन किलों को देखा जाए तो उनमें की टक्कर का, जैसे जयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर के किला किलों के समकक्ष ये किला खड़ा होता है। और अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आपकी भ्रमण की कुछ जानकारियाँ मैं आपको दे देता हूँ कि यहाँ आने के लिए लगभग ये 300 मीटर की ऊंचाई पे है, आप गाड़ी ले सकते हैं नीचे से जिसका चार्ज होता है लगभग 500 रुपये। अगर आप पैदल आना चाहें तो पैदल आ सकते हैं और इसका जो एंट्री शुल्क है वो 200 रुपये पर पर्सन है। तो दोस्तों ये था कुचामन फोर्ट का पूरा विजिट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारियाँ आपको कैसी लगी, इसकी जानकारी मुझे आप दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाकर के, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नई जगह पर, नई ऐतिहासिक धरोहर पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।